Hello everyone, welcome to Vysopedia. In our previous video, I have explained formation of star. Now let's talk about the one of the beautiful entity in the universe, nebula. As you know that nebulas are the interstellar places where stars are formed. अगर आपको नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें. The link is in the I button and also in the description box. So let's dig deeper into nebula. Let's take an example of beautiful crab nebula. ये crab nebula जो ये colorful cloud form में दिख रहे हैं, ये actually ionized gas, plasma, cosmic dust and molecular hydrogen से भरा हुआ है. इसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ही स्टार का कोर का फॉर्मेशन होता है. तो ये नेबुला होते कितने बड़े हैं? मून जितने, सन जितने, या हमारे सोलर सिस्टम जितने बड़े, ये शायद इससे भी बड़े. तो आइए जानते हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा नेबुला होता कितना बड़ा है. तो स्मॉलेस्ट नेबुला है 0.1 लाइट ईयर बड़ा. अब ये 0.1 लाइट ईयर का मतलब कितना होता है? एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है. और आप लाइट की स्पीड तो जानते ही हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. सो कैन यू इमेजिन कि सबसे छोटा नेबुला भी कितना बड़ा होगा. अब आती है सबसे बड़े नेबुला की बारी, विच इज टेरेंटुला नेबुला, जो कि है 1800 लाइट ईयर बड़ा, यानी कि ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन किलोमीटर बड़ा. और हमारे इंटरस्टेलर एंटिटी को काफी समय से स्टडी करते आए हैं. क्या आप जानते हो, पहली बार ट्रू नेबुला का जिक्र पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अब्द अल रहमान अल सूफी ने अपनी किताब बुक ऑफ फिक्स स्टार्स 964 एडी में, यानी कि 1100 साल पहले किया था. ये बात अलग है कि मैक्सिमम नेबुलास रियल नेबुलास थे ही नहीं, वो गैलेक्सीज थे. और जिस सुपरनोवा से क्रैब नेबुला क्रिएट हुआ था वो करीब 1054 एडी, मतलब 1000 साल पहले चाइनीज एंड अरेबिक एस्ट्रोनॉमर ने ऑब्जर्व किया था. अब नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि नेबुला बनता कैसे है और होते कितने टाइप्स के हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. बाय बाय.